مفتی سید احمد خان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ تین باتیں فرمایا کرتے تھے،
कि हमें हर जगह दावत देनी है, हर हाल में दावत देनी है और हर एक फर्द को दावत देनी है। आप अलैहिस्सलाम ने और आपके सहाबा ने किसी भी हाल में इंफिरादी दावत देना छोड़ा नहीं था, चाहे इस्तिग़फ़ार का ज़माना हो या हालात का ज़माना हो, किसी भी हाल में इंफिरादी दावत देना छोड़ा नहीं था। क्योंकि इज्तिमाई दावत में तो मुखालिफ गिरोह खुला खुला मुखालिफ करेंगे, लेकिन इंफिरादी दावत में कोई मुखालिफ गिरोह मुखालिफत नहीं कर सकता। इसलिए हमें इंफिरादी दावत से ज़्यादा, इज्तिमाई दावत से ज़्यादा हमें इंफिरादी दावत की मिकदार बढ़ानी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम तो आम से आम आदमी को दावत देते थे, बल्कि सफर हिजरत में आप अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते में दो खतरनाक डाकू रहा करते थे। सहाबा ने अर्ज किया कि उस रास्ते में डाकू हैं, कबीलाए बनू असलम के दो डाकू रहते हैं। आपने फरमाया कि हमें उसी रास्ते से लेकर चलो जिस रास्ते में डाकू हैं, हमें उन दोनों डाकुओं को इस्लाम की दावत देनी है, कलमे की दावत देनी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को बुलाया और आपने उन दोनों को इस्लाम की दावत दी और उन दोनों डाकुओं ने इस्लाम कबूल किया। हाँ, ये नहीं कि इन्हें क्या दावत दें, ये क्या सुनेंगे, ये क्या मानेंगे। हज़रत मौलाना इलियास सलाम ने फरमाया करते थे, काम अल्लाह का है, तुम नहीं जानते कि लोगों के अंदर क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। फिर आपने फरमाया अल्लाह तुम आदिम, ये लोग तो काने हैं सोने चांदी की तरह, इन्हें तो खुद ऐसे पता चलेगा कि इनके अंदर क्या है। इसलिए मैंने आज किया कि इस काम में उमूमियत असल है, इस काम में असल चीज इंफिरादी दावत है। इसलिए हमारे साथी चाहे पुराने हैं या नए, बड़े हैं या छोटे, उनके जिम्मे काम के बड़े तकाजे हैं या आम तकाजे, रोजाना फराइज़ से नमाज की तरह उमूमी दावत दें और उमूमी कश्म इस्तेमाल इंतहा जरूरी है, इंतहा जरूरी है, इससे बड़ा कोई तकाजा नहीं। आप सीरत को उठाकर देखें, आप हैं तो सहाबा में इंफिरादी दावत के किससे बड़े, क्या सलाम इंफिरादी दावत के लिए कितने आगे लपक के जाते थे, कितनी रगबत थी आपको कि आप सलाम एक एक फर्द के पास खुद चलकर दावत देते थे। एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके वालिद को लेकर आए आपके पास नाबीना थे, तो आपने फरमाया अबू बकर इन्हें क्यों लेकर आए, इन्हें क्यों तकलीफ थी, हालांकि मुश्किल थे। आपने फरमाया ए अबू बकर, ए अबू बकर इन्हें क्यों तकलीफ थी। अर्ज किया कि ये ज्यादा हकदार हैं, ये खुद चलकर आपके पास आए, इसलिए इस काम में उमूमियत असल है, इस काम में सबसे बड़ी सुन्नत इंफिरादी दावत इंफिरादी मुलाकात है। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा एक सफर में साथ में थे, तो आपने फरमाया एक देहाती को अपने घर जाते हुए देख लिया, तो आपने फरमाया कि हमें उनको दावत देनी है, तो आप अलैहिस्सलाम खुद उनके रास्ते पर चलकर गए और उनको दावत दी। तो उस सहाबी ने कहा, उस देहाती ने कहा कि आप जिस बात की हमें दावत दे रहे हो, इस बात की गवाह कौन है। तो आपने फरमाया हाजी शजरा, ये दरख्त गवाह है। तो आपने उस दरख्त को बुलाया और वो दरख्त जमीन को फाड़ते हुए आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो गया और उस दरख्त ने तीन मरतबा आपकी रसालत की गवाही दी और उसने कहा, तीन मरतबा रसालत की गवाही दी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि इस काम में सबसे बड़ी सुन्नत इंफिरादी दावत है, इंफिरादी मुलाकात है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम सफर में आप
नहीं पहुंचे तो एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे आज यमानी युग यमानी आते। फिर आप सलाम ने उन दोनों को इस्लाम की दावत दी, पास लाना पर उन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। फिर आप सलाम ने उन दोनों से नाम पूछे तो उन दोनों ने कहा कि हमें मुहानात कहा जाता है, यानी गिरे पड़े को। फिर आप सलाम ने कहा कि नहीं बल्कि तुम मुअज्जज और काबिल इकराम हो। दूसरे बात में आप सलाम ने एक देहाती को दावत दी। हर उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सलाम के साथ हम एक सफर में थे, सामने से एक देहाती आया तो आप सलाम ने उनसे पूछा कि कहाँ का इरादा है। उसने कहा कि इला आली अपने घर जा रहा हूँ। फिर आप सलाम ने कहा पर आई है और हजरत सहाबा और सर पर आई है। तो हमें भी लोगों को अल्लाह की रास्ते की तरफ
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.